नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100। में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। इंदौर पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, जनता कर्फ्यू के चलते बेवजह घूमने पर हुई कार्यवाही। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आदेश, पैरोल पर छूटे कैदी, विभाग ने 396 कैदियों को दी 60 दिन की पैरोल। खबर 100 की खबर का हुआ असर, निगम ने ली सूद, ग्राम पंचायत बांक में कराई सफाई, रहवासियों को कचरे से मिला छुटकारा। इंदौर पुलिस लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। अब हाल ही में कनाड़िया पुलिस ने कई दिनों से फरार भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। बता दें, अशोक जैन नामक इस भूमाफिया पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी घोषित किया था। दरअसल करोड़ों की जमीन की हेराफेरी करने के मामले में पुलिस ने पाली राजस्थान से अशोक जैन को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है, साथ ही अन्य साथियों की तलाश भी कर रही है। देखिए, कुछ समय पहले एक जो है कनाड़िया थाने में FIR हुई थी धोखाधड़ी के संबंध में, और उस पर जो है 10,000 का आरोपी पे इनाम था, अशोक जैन नाम है उनका। और चूंकि उसमें एक SIT टीम लगातार उस पर काम कर रही थी, उसकी लोकेशन मिली पुलिस को, तो उसको जो है राजस्थान से गिरफ्तार किया है पाली से। कटनी जिले की बटवारा तहसील में किसानों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। यहाँ सरकारी खरीदी केंद्रों में गेहूं बेचा गया था, जिसका पैसा लेने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एक साथ कई किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं बैंक में सिर्फ 3 ही कर्मचारी मौजूद हैं। ऐसे में किसानों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। महू तहसील में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है, साथ ही स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। अब तो हालात यह हो गए कि आदमी संक्रमण से लड़े या फिर अपने पेट की आग बुझाए। बढ़ते संक्रमण को लेकर महू SDM अभिलाष मिश्रा के निर्देश पर अतिरिक्त तहसीलदार रितेश जोशी ने ग्राम पंचायत कोदरिया को कोरोना हॉटस्पॉट बनाया है। यहां पर प्रशासन ने चारों तरफ से पूरे गांव को सील कर दिया है। प्रशासन ने इसे कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है, जिससे त्रस्त होकर अब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हालांकि नायब तहसीलदार रितेश जोशी ने बताया कि फिलहाल ग्राम पंचायत कोदरिया में 36 एक्टिव केस है, जो सबसे ज्यादा है। अभी तक जो हम लोग को रिपोर्ट मिली है, उसके आधार पर कोदरिया गांव में 36 एक्टिव केसेस हैं, जो महू में सर्वाधिक हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कोदरिया हॉटस्पॉट है। यहाँ पर तहसील में ऐसे कितने गाँव हैं जो हॉटस्पॉट बन रहे हैं? विशेषकर कोदरिया, गवली प्लासिया, उमरिया भी है, पिंगडम्बर, सोनवाय, बेसलाई, जो हम लोग के रेवेन्यू एरिया में तो नहीं है, पर थाना क्षेत्र अंतर्गत होने के कारण ये भी हॉटस्पॉट है। इंदौर के भवरकुआ थाना क्षेत्र से ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। फरियादी ध्रुव मेहता ने बताया कि मेक माई ट्रिप के नाम से उन्हें कई लुभावने ऑफर्स दिए गए थे। यह ऑफर ऑनलाइन लिंक के माध्यम से भेजे गए थे, और जैसे ही उस लिंक पर रजिस्टर्ड किया गया तो अकाउंट से लगभग 1.5 लाख रुपये निकाल लिए गए। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनांक 26/5/2021 को एक आवेदन पत्र आवेदक ध्रुव मेहता, पिता दीपक मेहता, निवासी 1 यूनिवर्सिटी कैंपस खंडवा रोड इंदौर का श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय जूनी इंदौर के कार्यालय में दिया गया था, जो प्राप्त हुआ है। उस आवेदन के प्राप्त के अनुसार जाँच के में और अज्ञात आरोपी अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 420 भादा बी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सर, किस चीज़ की धोखाधड़ी करी है, क्या नाम है क्या? ये जो है आवेदक के रुपए का अकाउंट नंबर लेकर के अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। कितने लग? इंदौर में जनता कर्फ्यू के चलते पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज पूरे शहर में एक साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बेवजह घूमते हुए लोगों पर कार्यवाही की गई और साथ ही अस्थायी जेल भेजा गया। CSP परिहार के मुताबिक आज सुबह से ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और लोगों को समझाइश देने के साथ ही उन पर कार्यवाही की गई।
हाँ, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे हमारे सभी अधिकारी, इवन एसपी साहब भी अभी जस्ट गए हैं यहाँ से, डीआई साहब भी फील्ड में हैं और सभी अधिकारी जो है आज फील्ड में हैं। हम लोग चेकिंग कर रहे हैं क्योंकि 12 बजे तक था सब्जी ठेले वालों को चलित हुए ले ले, अब सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि लोग घर में जाएं और इसलिए हम चेकिंग भी कर रहे हैं कि जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी। गुरुवार को विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक ने कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को 2 एम्बुलेंस सौंपी है। इसके बाद विधिवत पूजा कर दोनों एम्बुलेंस को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिला प्रशासन के बेड़े में शामिल कर लिया है और जनसेवा के लिए शुरू भी कर दिया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीणों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसे में गांव के साथ पूरे जिले को यह एम्बुलेंस काम आएगी। 396 कैदी ऐसे हैं जो आजीवन कारावास की सजा एवं छोटी सजाओं से दंडित थे को माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से पैरोल पर छोड़ा गया है और यह पैरोल महामारी पैरोल है। इसका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि जो कैदी पूर्व से महानिदेशक महोदय की सामान्य पैरोल का लाभ उठा रहे थे और जिनकी जमानत या जमानत बॉन्ड जो है वो हमारे कार्यालय में सुरक्षित थे, ऐसे कैदियों को छोड़ा गया है। और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि यदि कोई पैरोल अवधि में किसी ने अपराध किया है या जेल में दंडित किया गया है तो ऐसे कैदियों को इस पैरोल का लाभ नहीं दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हीं कैदियों को छोड़ा गया है जिनका जेल आचरण या पैरोल में रहने का बाहर का आचरण संतोषजनक है, कोई अपराध उन्होंने नहीं किया। महामारी के इस दौर में प्रदेश की जेलों में रह रहे कैदी भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। देखा गया था कि मध्य प्रदेश की सभी बड़ी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी सजा भोग रहे हैं जिससे जेल में कोविड गाइडलाइन का पालन कराना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के आदेश दिए थे। इसके तहत जेल विभाग ने लगभग 60 दिन की पैरोल का प्रावधान रख कैदियों को पैरोल पर छोड़ा है। अपन जैसा सबने देखा कि इंडिया को जिस तरीके से कोविड की सेकेंड वेव ने हिट किया तो कितनी ज़्यादा लोगों को दिक्कतें और परेशानियां झेलनी पड़ी ऑक्सीजन को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, और ख़ास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे विजरावगढ़ क्षेत्र है हमारा, वहां पर भी कभी ऐसी एम्बुलेंस, इतनी मल्टी स्पेशलिटी वाली एम्बुलेंस जिसमें सब कुछ अवेलेबल है नहीं था। और यही सोच के डैड ने ये दोनों एम्बुलेंस को गिफ्ट किया है एज ए गिफ्ट। मेरी तो इच्छा है कि ये एम्बुलेंस हमेशा रेडी रहेंगी सबके लिए तैयार रहेंगी, लेकिन दिली इच्छा ये है कि इनकी कभी किसी को ज़रूरत ना पड़े। ये महसूस किया गया कि हमें अब कोविड की लड़ाई में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अस्पताल हैं वहाँ पे संसाधनों को बहुत तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा, खासकर एम्बुलेंस जैसे संसाधन, क्योंकि भविष्य में चाहे कोविड हो चाहे अन्य जो हमारी बीमारियाँ होती हैं, तत्काल में जब लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ती है गाँव से ले आके उनको DHC और CHC में लाना, या जब उनको रेफ़र किया जाता है कटनी या कभी कभी जबलपुर, तो तत्काल पे एक सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस का होना ज़रूरी होता है। इसी को देखते हुए हमारे विजय रावगढ़ क्षेत्र के माननीय विधायक श्री संजय पाठक जी ने आज अपने फंड से, अपने रिसोर्सेज से हमें 2 एम्बुलेंस, एक विजय रावगढ़ के अस्पताल के लिए, एक बरी के अस्पताल के लिए दिए हैं। ये सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस हैं। विगत दिन पहले इंदौर की बांक पंचायत और नगर निगम ने कचरा उठाने और सफाई करने से पल्ला झाड़ लिया था। अब प्रशासन के लिए चुनौती थी कि आखिर कौन सफाई कराएगा। इस खबर को खबर अंडरेट ने भी प्रमुखता से उठाया था जिसके चलते अब निगम ने सुद ली है। दरअसल खबर अंडरेट की खबर का असर कुछ इस तरह हुआ कि गुरुवार को निगम के कर्मचारी बांक पंचायत पहुंचे और सफाई की। गौरतलब है कि सिरपुर धार रोड नूरानी चौराहे के पास मेन रोड पर कई दिनों से भयंकर कचरा पड़ा था। गंदगी के कारण चारों ओर बीमारियों के संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ था। वहीं अधिकारियों ने भी यह कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि यह पंचायत की सीमा में नहीं है। हालांकि अब रहवासियों को राहत मिली है और कचरे के ढेर से भी छुटकारा मिला है। मैंने पूरे उसकी खसरे से लेके सारी चीजें निकाल ली, तो एक्चुअल जगह नगर निगम की है और शहर का जमा है, वो कचरा वहाँ ला के इकट्ठा होता है तो नगर निगम वहाँ लेती है, शहर में वो लोरियाँ डाल जाते हैं और वो नगर निगम वो पंचायत पर फंसना चाहती है, जबकि पंचायत लगातार अपने क्षेत्रों में गाड़ियाँ चला रही है, डोर कचरा उठा रही है। कचरे का हमने भी बड़ा घर एक कचरा घर बना रखा है जो गीला सूखा हम अलग अलग तरह के लगते हैं। अब ये इधर उधर का कचरा, सिटी का कचरा यहाँ के लोग डाल जाएंगे तो वो कचरा हम कैसे उठाएंगे? इतना तो साधन हमारे पास नहीं है कि हमें शहर का पूरा कचरा उठा उठा के हम हमारे उसमें ले जाएं।
ये नगर निगम को हमने बताया कि जगह आपकी है, चिन्हित करके बताया है, ये सब पूरे रोड पर जो वृक्षारोपण यहाँ तक किया, आधा किलोमीटर और आगे तक की जगह है, मगर नगर निगम मानने को तैयार नहीं है और हमने पूरी तैयारी कर ली है। हम कानूनी सलाह लेकर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में एक जनहित में एक याचिका दायर करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर अंडरी, जनता की बुलंद आवाज़।